Assalamualaikum Pakistan. 30th December 2011, just one more day to go for the new year. Brand Stories के साथ मैं हूँ सारा खान. ये प्रोग्राम सुनते हैं फ्राइडे को 8 टू 10 एंड होपफुली हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स इस वक्त ट्यून इन होंगे क्योंकि आप सब जो बिजनेस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं या एक कॉमन इस शहर के सिटीजन हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस में, आप इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस के पीछे रहने वाली पर्सनैलिटीज की उस लाइफ में जो आपके सामने एक्सपोज नहीं है. आप जानना चाहते हैं मेहनत के पीछे और क्या क्या छुपा है. यू वॉन्ट टू नो ऑल द स्टोरीज बिहाइंड द ब्रांड्स. दिस इज ब्रांड स्टोरीज फॉर यू एंड लाइक ऑलवेज इस वीक भी हमारे साथ एक बहुत ही प्रेस्टीजियस गेस्ट मौजूद हैं. और आज जो है वो जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम रोटी की बात करने जा रहे हैं जनाब, आटे की बात करने जा रहे हैं. तो जितने भी लोग हैं उनके कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये तो फंडामेंटल्स होते हैं, इसके बगैर तो दिन क्या रात क्या जिंदगी शुरू नहीं होती. लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट. He has a very big name in marketing. He has also been conducting a lot of TV shows. Expert in export marketing and a very well known consultant. Hamare saath this week Ashrafi Food Industries ke export marketing consultant Mr. Athar Iqbal saab. Welcome karte hain unhe ji. Assalam alaikum sir. Waalaikum assalam. Kaise hain sir aap? एंड हम आपको वेलकम करना चाहेंगे हमारे शो में. आप इतनी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे शो में आए. वी आर रियली रियली हैप्पी टू हैव यू. हाउ वाज योर डे सो फार? अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू. अच्छा जी, तो न्यू ईयर के किसर कोई प्लान है, कुछ एंड हो रहा है या क्या करते हैं आप, कोई वेकेशन? डेफिनेटली न्यू ईयर के हवाले से अगर हम बेसिकली हम एक्सपोर्ट मार्केट को डील कर रहे होते हैं तो न्यू ईयर जो है वो हमारे लिए बहुत काम का साथ होता है क्योंकि ज्यादातर बायर जो होते हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ वापस आ रहे होते हैं. okay. क्योंकि हॉलीडेज होती हैं बाहर. तो इस वक्त मेरे पास एक बर्डन था काम का क्योंकि मेरे पास 8 बायर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर एक साथ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको एक बाय एक के बाद एक करके अकोमोडेट कर रहे हैं. अच्छा. तो ये हमारे पास टाइम इस वक्त बहुत अच्छा होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, उस वक्त हम कैश कर सकते हैं बायर्स के साथ नेगोशिएट करके. जबरदस्त. मतलब पर्सनली आपके क्या प्लान्स होते हैं, मतलब बच्चे, घर, फैमिली क्या कहते हैं आप? बच्चे तो बिल्कुल प्लान कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, वो चाहते हैं कि एक सेलिब्रेशन हो, एक पूरा एक हल्ला गुल्ला होता है, जो फायरवर्क्स होता है उस चीजों को देखने के लिए बहुत एंजॉय करते हैं. तो एक रोड पे लाके एक थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. अच्छा, जिन लोगों के जो है फादर्स, यू नो, जिन लोगों के भाई हो, फादर्स हो, द मैन ऑफ द हाउस जो आप लोगों की पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, दे आर वर्किंग, उनका काफी बिजी स्केड्यूल होता है जिंदगी के साथ, दे आर ऑलवेज फास्ट एंड रनिंग, एंड पीपल लाइक मी एंड यू इन मार्केटिंग डेफिनेटली जो है वो हम लोगों को मेरे ख्याल में टाइम नहीं मिलता है इस तरह की चीजें. तो हाउ डू यू अकोमोडेट, हाउ डू यू मेक अप फॉर इट? करना पड़ता है, देखें चीजों को, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है. इसी का नाम जिंदगी है, लाइफ स्केड्यूल बनानी पड़ती है. तो ये तो नॉर्मली रोज नहीं हो रहा होता, कभी कभी होता है, तो इस चीजों को मैनेज कर लेते हैं इंशाल्लाह, कर लेते हैं. अच्छा, मूवीज के शौकीन हैं आप? पाकिस्तान में जल्दी ट्रेंड शुरू हुआ है ये बहुत ही रिसेंटली. नहीं, कोई खास इतना नहीं क्योंकि टाइम, पहले एक वक्त था जो उस वक्त हम सारी लेटेस्ट इंग्लिश मूवीज हम देखते थे, लेकिन अभी तो टाइम बिल्कुल फैमिली को दे दें ये बड़ी बात होती है क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है और उसमें चीजों को, लेकिन देखते हैं कभी कभी जब टाइम मिल जाए. खास यानी कि इतना वो नहीं है मूवी से रिलेटेड. ओके. अच्छा, तो और किस तरीके, आर यू इंटरेस्ट स्पोर्ट्स, कोई फ्रेंड्स के साथ आउटिंग होती है आपकी, आप किस तरीके से अपने आपको टाइम देते हैं आउट ऑफ दिस बिजी स्केड्यूल, हाउ डू यू रिलैक्स? वीकेंड पे नॉर्मली महीने में एक आध दफा हम एक गेट टुगेदर रखते हैं फ्रेंड्स के साथ. सारे फ्रेंड्स के साथ, एक फैमिली फ्रेंड्स जितने भी होते हैं सारे एक जगह जमा होते हैं, एक घर में जमा होके और फिर एक टाइम स्पेंड करते हैं. अच्छा, आर यू इंटू स्पोर्ट्स, कोई किसी स्पोर्ट्स में है आप? स्पोर्ट्स में अब वही बात है ना, प्रोफेशनल लाइफ में तो ये सारी चीजें बिल्कुल दूर हो जाती हैं, लेकिन शुरू में टेबल टेनिस का
टेबल टेनिस का शौक था. अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो मार्केटिंग में होते हैं उनको टेबल टेनिस, स्क्वॉश और जो है जनाब जी चेस का बहुत शौक होता है. फेवरेट है, लेकिन वही बात है ना, ये सारी टाइम कंज्यूमिंग है. क्योंकि मुझे मुझे याद है अभी दिस जिम दैट आई कैन नॉट टेक द नेम ऑन एयर, यू नो ब्रांड स्टोरीज. सो बट वेरी पॉपुलर जिम, हम बिजनेस फ्रेटर्निटी में उसका नाम बहुत पॉपुलर है. तो उसमें जो ज्यादातर लोग होते हैं स्विमिंग एंड देन बैडमिंटन एंड देन टेनिस एंड देन स्क्वॉश जो है उसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं. और वो एक तरह की मतलब एडिक्शन है कि मतलब आफ्टर मैं देखती हूँ, मैं खुद यू नो आई यूज टू गो टू वर्कआउट. तो जितने भी हमारे यू नो जीएम मार्केटिंग हैं, जीएम फाइनेंसेस हैं, इन सबको जो है आफ्टर वर्क यू सी अ 2 आवर स्पोर्ट्स वर्कआउट या अनवेलिंग सेशन जरूर इनका होता है. तो ये मतलब यू नो ये स्पोर्ट्स के साथ जो है वो क्या मार्केटिंग स्किल्स और बढ़ती हैं या कुछ नहीं ऐसी टाइमिंग? मार्केटिंग खाली नहीं, कोई भी काम होगा आपका तो उसमें स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे आप फ्रेश हो जाते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है. अच्छा. तो इसलिए लोग नॉर्मली स्पेंड करने की कोशिश करते हैं कि एक दो घंटे अगर आप निकाल लें इसमें तो एक फ्रेश हो जाते हैं, आपकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है उसका. अच्छा, काफी लोग हैं जो इसको सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं लेते, सोशलाइजिंग के लिए भी जाते हैं. उनको पता है कि वो फिर क्लब होता है तो उसमें सोशल बिजनेस डील्स भी, वहाँ भी बिजनेस आ जाता है फिर. एग्जैक्टली, ये बहुत वहाँ बिजनेस जो हो जाता है ना. वो मेरे साथ खेल रहे थे और उनसे बात हो गई और देन यू नो वो बन गए. अच्छा, थोड़ा सा हम जो है वो आपके माइक को जो है ना थोड़ा सा आपसे क्लोज करेंगे. वी लाइक यू टू बी अ लिटिल क्लोजर टू द माइक ताकि लोग आपको और अच्छे तरीके से सुन सकें, थोड़ा लाउडर सुन सकें. हाँ, तो बिजनेस डील्स की हम बात हो रही थी. तो ये जिम्स वगैरह में बहुत होता है ना, यू वर्किंग आउट एंड देन यू वर्कआउट ऑन अ डील एंड देन आप वर्कआउट करें यार मेरे इतने मील्स नहीं घटे और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. सुबह यू नो आप प्रेजेंटेशन साथ देने जा रहे हैं एंड देन आपका पिच जा रही है साथ. तो ये भी मतलब पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है. डू यू थिंक ये होता है मटेरियलाइज? बिल्कुल होता है. देखें अगर आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो बच्चे और फैमिलीज जो होती है वो एक अलग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपके अगर सोशल बिजनेस कॉलीग्स अगर मिल जाते हैं तो उसमें फिर बिजनेस की बातें शुरू हो जाती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए बेसिकली. वहां पे अगर आप एंजॉय करने हैं तो सारी चीजें एंजॉय ही करें, पूरी चीजों को प्रॉपर. लेकिन ये चलता है, फिर वो सेलफोन भी बार दफा बंद करना पड़ता है क्योंकि वो सारे बिजनेस कॉन्टेक्ट चल रहे होते हैं. और हम तो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट से रिलेटेड होते हैं तो हमारा रात के वक्त तो दिन और होता है वहाँ यूरोप और अमेरिका में, तो वहां से फिर कॉन्टेक्ट शुरू हो जाते हैं. तो एक अलग ही लाइफ है पूरी. बिल्कुल. अच्छा, के साथ है आरजे सारा खान और मेरे साथ है एक्सपोर्ट मार्केटिंग कंसल्टेंट फॉर अशरफी फूड इंडस्ट्रीज.